बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो आपको हमें आज मधुबनी आर्ट में मैं आपको फिश बनाने सिखाऊंगी। तो अभी हमें फिश बनाएंगे। मधुबनी आर्ट में क्या है कि बहुत कलर यूज होते हैं और बहुत सारे पैटर्न ऑनलाइन यूज होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक फिश ड्रॉ करेंगे। इसकी शेप की कोई डिफाइन, कोई भी आर्ट जो होता है ट्रेडिशनल आर्ट, उसके कोई डिफिनेशन नहीं होता आर्ट का। वो मतलब आप किसी भी टाइप से आप फिश ड्रॉ कर सकते हो, उसकी कोई शेप नहीं होती, आप जैसे चाहो। तो मधुबनी आर्ट में आप ऐसे फिश ड्रॉ कर लेंगे। उसके आँख थोड़े बड़े बड़े होंगे। और उसके बाद इसके अंदर हमें अच्छे अच्छे डिजाइन पैटर्न यूज करना है। तो इस तरह से आप जो है इसमें स्केच पेन से आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने पतले पतले लाइन से स्केच पेन से अच्छे छोटे छोटे डिजाइन इसको फिल करना है। यानी जैसे मेहंदी बनाते हैं और मेहंदी में अच्छे अच्छे डिजाइन फिल करते हैं, उस तरह से ही इसको हमें सजाना है। मतलब बहुत सारे कलर से इसको डिजाइन में फिल करनी है। जैसे कि जैसे लाइन्स लाइन पैटर्न्स में से ट्रायंगल ट्रायंगल भर दिया हमने स्केच पेन से डायरेक्ट अलग अलग कलर से। अभी मैं पेंसिल से कर रही हूँ, तो इसमें एकदम पतले पतले लाइन से ऐसे ऐसे हमें फिल करना है डिजाइन। तो इस तरह से मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। अभी ये पैटर्न आप उसमें सर्कल भर दो, कुछ भी डिजाइन भर सकते हैं। और ढेर सारा कलर आप यूज करेंगे, रेड येलो ग्रीन ब्लू, मेन चटकीले कलर जो होते हैं, जो ज्यादा ब्राइट कलर होती है वो हमें यूज करना है। इस तरह से हमें इसको फिर ऐसे फ्रेम में भरना है। मतलब ये आर्ट को क्या होता है, एक पैटर्न होते हैं, जैसे हम फोटो फ्रेम बनाते हैं उस तरह से हमें ये इसको एक पल मल्टी कलर के फ्रेम में इसको भी हम फ्रेम को भी अच्छे से जो है कलर करेंगे। तो अभी मैं करके आपको दिखाऊंगी। मैंने अभी ड्रॉ करके आपको दिखाया है। अब इस तरह से आप इसको हम स्केच पेन से बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा स्केच पेन में ये अच्छा लगेगा। ये सब भी सारे डिजाइन जो है इसके अंदर आप इसको फिल करेंगे अच्छे अच्छे लाइन से, एकदम बारीक बारीक लाइन होगी। और इसमें छोटे छोटे फूल होंगे, उसमें आप रेड ऐसे हल्के हल्के पत्ते जैसे निकाल देंगे। इस तरह से मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से ये मधुबनी आर्ट आपको स्केच पेन से कलर फिल करना। आप कोई भी पैटर्न फिल कर सकते हो, ट्रायंगल सर्कल ओवल, और कलरफुल होना चाहिए। बहुत सारा अच्छे से पतले पतले लाइंस में हम स्केच पेन यूज करके आप इसको फिल करेंगे। तो इस तरह से आपको ये मधुबनी आर्ट आपको फाइल में बनाना है। इस तरह से आप कोई भी पिक्चर बना के एलिफेंट या पेड़ सब में अच्छे से कलर फिल करना होता है, मल्टी कलर। ओके, थैंक यू।